नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर लता और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बिना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े मैंने घर पे रह के अपना कोविड और उसके साथ होने वाली कोविड कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि निमोनिया कैसे ठीक किया। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करे थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये मेरा सेकेंड एपिसोड ऑफ कोविड है, तो और ये जो नया स्ट्रेन आया इससे हुआ था मुझे कुछ टाइम पहले। तो मैं आपको आज सारे के सारे पॉइंट्स शेयर करूंगी क्योंकि आज मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। तो सबसे पहला जो काम मैंने किया जब मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे कोविड फिर से हो गया है, तो मैंने ये वाली दवाई आती है इसको, ये इन्हेलेशनल स्टेरॉइड होते हैं, इसका नाम है फोराकॉट इन्हेलर। तो ये आपको बड़ी ईजिली केमिस्ट की दुकान से मिल जाता है। इस तरीके से इसमें टैबलेट्स होती हैं स्टीरॉयड की। स्टीरॉयड एक लाइफ सेविंग ड्रग होती है। आप प्लीज़ अपने मरीज़ को कहीं भी धक्के ना खिलाएं। आप ये वाले जो स्टीरॉयड होते हैं, एक और स्टीरॉयड होता है ये अस्थेलिन, ये नॉर्मली जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं वो ये स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी कोरोना में ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल साबित हो रहे हैं। और अस्पतालों में क्योंकि जगह नहीं है, बेड नहीं है, आप वो नौबत आने ही ना दें, तो ये स्टीरॉयड्स आप ओवर द काउंटर हमारे कंट्री में, इंडिया में मिल रहे हैं। आजकल केमिस्टों की दुकानें भी खुली हैं, तो आप ये ले आएं। और इसके अंदर गोलियां होती हैं और इसको इस्तेमाल करने के तरीका होता है ये होता है, ये रोटा हेलर है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इस तरीके का ये इक्विपमेंट होता है, इसको आपने ये दबा के ये ऐसे खुल जाता है और उसमें ये एक टैबलेट आपने डालनी है। और इसको जब हम प्रेस करते हैं, ये देखें, यहाँ से हम प्रेस करेंगे, मुंह में लगा देना है पेशेंट के पूरा, और आपने इसको खोलने, इसकी इधर से खुल जाता है, आपको खोल के दिखा देती हूँ, चलिए देर हो जाएगी फिर। तो आपने इसको ऐसे प्रेस करना है मुंह में रख के, तो ये इसका जो एक कैप्सूल है, इसके अंदर जितने भी कैप्सूल होते हैं, तो वो सीधा का सीधा लंग्स में चला जाता है, राइट। अगर आपको ये रोटा हेलर मुश्किल लगता है तो इस तरीके से डायरेक्ट भी आता है इनहेलर, तो आप वो भी ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से भी आता है, स्टीरॉयड इनहेलर आता है, तो ये आप ले लें। कैप को हटाएं, इसको मुंह पे रखें और इसको प्रेस कर दें और अपने पेशेंट को बोलें कि वो सारी की सारी दवाई अंदर को ऐसे करके ले जाए। तो ये ड्रग सीधा का सीधा फेफड़ों पर काम करती है, और जो हमारे फेफड़ों में एलर्जी हो रही होती है जो कि वायरस करता है, जिसकी वजह से फेफड़े सूजना शुरू हो जाते हैं, ये जो स्टीरॉयड है ये लाइफ सेविंग है, वो इस एलर्जी को रोकता है, राइट। इसके अलावा जो मैंने सेकंड ड्रग ली वो ये है डेक्सामिथासोन, डेकाड्रॉन की टेबलेट आती है, ये शॉर्ट एक्टिंग स्टीरॉयड है, ये एकदम से काम करती है। तो ये नॉर्मली हमें मिलती है 0.5 मिलीग्राम की एक गोली होती है, एक स्ट्रिप में 10 गोलियाँ होती हैं। मैंने ये 8 गोलियाँ एक दफ़े में खाई सुबह को, खाना कुछ भी खाने के बाद। लोडिंग डोज मैंने ली क्योंकि अस्पताल जाना पॉसिबल नहीं था, और इंजेक्शन स्टीरॉयड के लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, एकदम से वो ब्लड में जाते हैं। तो लेकिन अगर हमारे यहाँ पे सारी सड़कें ब्लॉक थी, सड़कों को जाम किया हुआ था, वहाँ पे पत्थर और बैरिकेडिंग लगाए हुए थे, इसलिए हॉस्पिटल जाने का रास्ता भी बड़ा मुश्किल था। तो ये दवाइयाँ मैंने सुबह को 5 बजे ही ये शुरू कर दी खानी। मेरा ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ड्रॉप हो रहा था, 92 हो गया था, और मेरे हस्बैंड भी घबरा रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम हॉस्पिटल जाएं, लेकिन हॉस्पिटल में आप तो जानते हैं बेड्स नहीं, ऑक्सीजन नहीं, डॉक्टर्स भी बहुत कम हैं, मोस्टली डॉक्टर्स भी बीमार हैं, तो मैंने हॉस्पिटल जाना ठीक नहीं समझा। ये मैंने खा ली 8 गोलियाँ, लेकिन स्टीरॉयड क्या करता है, वो शुगर बढ़ा देता है, इसलिए जब भी हमने स्टीरॉयड खाना होता है तो हमें या तो इंसुलिन लगा लेनी चाहिए या कोई भी हम शुगर की दवाई भी ले सकते हैं। शुगर हमने बढ़ने नहीं देना फ्रेंड, ये सिर्फ 15 दिन का मामला है। स्टीरॉयड खा के आप अपनी जान बचा लें, और शुगर के लिए कोई भी आप दवाई ले लें, तो डायोनिल करके आती है वो भी ले सकते हैं। लेकिन एक काम और भी करते हैं, जब हम स्टीरॉयड्स खाते हैं तो हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है और पेट जलने लगता है, उल्टी आने का भी चांस होता है, बहुत एसिडिटी होती है, उससे निपटने के लिए मैंने ये एक दवाई आती है रैनएटिडिन 150 मिलीग्राम, इसको ऐसी लॉक भी बोलते हैं। रैनएटिडिन आपको भी बड़ी इजीली इंडिया में केमिस्ट की दुकान पे ओवर द काउंटर मिल जाएगी, ये एसिडिटी और अल्सर के लिए दवाई होती है।
स्टीरॉयड का साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए हमने ये भी खानी है और शुगर की गोली भी खानी है, ताकि शुगर बढ़ने से हमारे लंग्स में इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो हो गई स्टीरॉयड की बात। ये जो फर्स्ट लाइन, ये हमने वायरस के ऊपर सबसे पहले मिसाइल से हमला करना है, राइट। ये हो गई। इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट जो गोली खाई जो एलर्जी को रोकती है, ये है फेक्सोफेनाडिन। इसका नाम एलेग्रा भी है फ्रेंड्स। ये 120 मिलीग्राम की टेबलेट आती है। ये मैंने 3 टैबलेट्स खाई सुबह दोपहर शाम। जो स्टीरॉयड की ये गोलियां हैं, ये आप डेक्सामीथासोन भी ले सकते हैं, नहीं तो वाइसोलोन यानी प्रेडनिजोलोन भी आती है। 20 मिलीग्राम की प्रेडनिजोलोन की गोली आप अपने हिसाब से ले लें, अपने डॉक्टर से फ़ोन पे बात कर लें कि अपना सिम्टम आप बताएंगे। 20 मिलीग्राम की गोली आप दिन में एक ले सकते हैं, अगर आपको कम सिम्टम्स हैं आप उसको बढ़ा के 3 गोली भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने यही वाली ले ली, मेरा इसी से ही बात बन गई, क्योंकि मैंने शुरू में ही अपने वायरस को मैं पहचान की। पिछली दफ़े मुझे हो चुका था कोविड, उस समय हम सब इतने उसमें प्रिपेयर नहीं थे। तो ये मैंने डायरेक्ट अपने साथ ही अपने हिसाब से वायरस को दबाने के लिए, जो एलर्जी कर रहा था उसको दबाने के लिए ये शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये दोनों जो होती हैं दवाइयाँ, ये बेसिकली जो स्टीरॉयड हमारी बॉडी में करता है एलर्जिक रिएक्शन करता है, जिसको कि साइटोकाइन रश भी बोलते हैं। साइटोकाइन एक तरीके के केमिकल्स होते हैं, वो तब रिलीज होते हैं जब कहीं पे भी एलर्जी होती है। तो ये दोनों ड्रग्स जो हैं ये ब्लॉकर हैं। ब्लॉकर इन द सेंस कि जैसे आप ताले के अंदर चाबी डाल देते हो तो उसमें कोई भी चोर अपनी दूसरी चाबी नहीं डाल सकता, एक ही चाबी लगती है। वैसे ही हमारे पूरे शरीर में रिसेप्टर्स होते हैं, नाक में, गले में, लंग्स में, और वो रिसेप्टर्स खुले होते हैं, उस पर वायरस बैठ जाता है और फिर वो रिएक्शन ही शुरू कर देता है। हम क्या करते हैं, वायरस थोड़ा सा भी अंदर गया तो हम ये वाली दे देते हैं ड्रग्स, जिससे कि वो ये जाके बैठ जाती हैं और वायरस को बैठने नहीं देती हैं। जितना बैठ गया बैठ गया, बाकी का जो अभी बचा हुआ है पूरा लंग्स के अंदर जो ताले खुले पड़े हैं उनमें जो ये ड्रग एक चाबी की तरह काम करती है। तो और जब हमने शुरू में ही सारे इसके सारे तालों में चाबियां डाल दी तो आगे वायरस हमला नहीं करता। इसके अलावा मैंने इनहेलर स्टीरॉयड से मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा मेरे जो चेस्ट में इन्फेक्शन हो रही थी, सांस में दिक्कत हो रही थी, मैंने ये पल्मो क्लियर दवाई ली। ये थोड़ी सी महंगी आती है, इसमें आप इससे बलगम भी दूर होती है और फेफड़े खुलते भी हैं। तो इसका एक सस्ता, बहुत सस्ता सब्स्टिट्यूट होता है डेरीफाइलिन की गोली, तो वो आप ले सकते हैं। डेरीफाइलिन प्लेन भी ले सकते हैं, रिटार्ड भी ले सकते हैं, आप वो दिन में 3 ले लें। ये वाली है एसीब्रोफाइलिन है। एसीब्रोफाइलिन का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, जो डेरीफाइलिन होती है उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ऐसे ऐसे हाथ कांपते हैं मरीज़ के और वो घबरा जाते हैं और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो आप अपने मरीज़ को आराम पे रखें तो डेरीफाइलिन लेना ज़्यादा उचित है। मैं जनरली अपने सभी पेशेंट्स को डेरीफाइलिन ही देती हूँ, और क्योंकि हमारे जैसा भी मरीज़ होता है जो गरीब होता है तो उसको मैं डेरीफाइलिन लिख देती हूँ। वो 5-6 रुपये में बड़ी सारी गोलियाँ आ जाती हैं। ये थोड़ी महंगी है, 220 रुपये में शायद 10 गोली आती है। तो साथ में कोई भी आप कफ सिरप ले लें जो कि बलगम निकाले। इसके अलावा मैंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम किया वो था ये स्पायरोमीटर। ये मैं लेटे लेटे भी करती थी, और पर्सलीप एक्सरसाइज जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी उसका लिंक मैंने लगा दी, इसका भी लिंक लगा दी, वो आप चेक कर लेना कैसे करनी है। इसके अलावा जो बाकी सब्स्टिट्यूट्स होते हैं हेल्थ के, वो मैंने लिए ये विटामिन सी की गोली 500 मिलीग्राम की लिमसी, ये दिन में 3 ली, कभी कभी 4 भी लेती थी। ये जिंकोविट की गोली, इसमें जिंक और बड़े सारे मल्टी विटामिन होते हैं, ये भी मैंने 2-3 ले लेती थी। ये न्यूरोबायन फोर सस्ती आती है, आप ये ले सकते हैं। तो क्योंकि खर्चा बहुत होता है तो आपकी चॉइस है, आप चाहे जिंकोविट ले लें चाहे न्यूरोबायन ले लें, ये बहुत लेना ज़रूरी होता है, इससे आपकी ताकत भी बनी रहती है। इसके अलावा जो बुखार था और जो फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रही थी, मैं एंटीबायोटिक्स नहीं खा सकती क्योंकि मुझे एंटीबायोटिक्स से एलर्जी होती है। और वैसे भी जब हम एंटीबायोटिक्स जो इसके लिए दे रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन, उससे डॉक्सीसाइक्लिन से डायरिया भी होता है। और जो लोग खाना चाहते हैं एंटीबायोटिक्स खा सकते हैं, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। मैंने अपने आप को एक ये तुलसी की गोली, फिर गिलोय की गोली, और तीसरी जो है ये नीम, ये 3 जो नेचुरल एंटीबायोटिक्स है मैंने अपना जो चेस्ट का निमोनिया था इसी से ठीक किया है। नीम की गोली मैंने दिन में 2 खाई। ये भी पेट में एसिडिटी करता है, इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी रेनेटिडिन, रोजिनटेक जो मैंने आपको बताई वो खाती थी,
और इसको नीम को मैं खाने के बाद खाती थी, और गोली को मैं कूट के पानी में घोल के थोड़ा थोड़ा करके खाती थी ताकि मेरे पेट में जलन नहीं करे। ये मैंने दिन में 2 खाई हैं फ्रेंड्स, और ये जो तुलसी की गोली है मैंने 3 खाई है। तुलसी की गोली खाने के बाद मैं गर्म पानी से सब लेती थी, इसके बाद मैं हल्की गुनगुनी चाय पीती थी जो कि मेरे हस्बैंड मुझे बना के देते थे। उनको मैंने बहुत मना भी किया कि मेरे कमरे में ना आए, मैं कमरे के बाहर रख दे, लेकिन वो फौजी हैं, किसी की बात नहीं सुनते। उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, और उनको कुछ हुआ भी नहीं। विल पावर और अपनी जो उन्होंने ज़िंदगी भर में इतनी मेहनत कर रखी है, फिटनेस, पीटी परेड और अपनी जान पे खेलने के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाया, आज वो हम सबके काम आ रहे हैं। मैं आपसे यही कहूँगी आप सब भी अपने शरीर को बहुत मजबूत बना लें, ज़्यादा टाइम आप अपने शरीर पे फिटनेस पे दें। नेक्स्ट जो मैंने खाई है गिलोय की गोली, तो ये बड़ी सारी कंपनीज की मिल जाती है, इसको गुडूची भी कहते हैं, अमृता भी कहते हैं। तो ये आप किसी भी आयुर्वेद के स्टोर से ले लें, ऑनलाइन मंगा लें। और ये मैंने दिन में 3 खाई फ्रेंड्स, तुलसी भी मैंने 3 खाई, और जो नीम है वो मैंने 2 खाई। और एक दिन मैंने नीम 3 गोलियां खाई थी, जिस दिन मेरे को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। सेहत को सपोर्ट देने के लिए मैंने शिलाजीत का कैप्सूल खाया, पतंजलि का, और साथ में ये अश्वगंधा का कैप्सूल खाया, राइट। ये मैंने 2-2 खाए खाने के बाद, सुबह को और शाम को। इसके अलावा मैंने ये च्यवनप्राश आता है, 1-1 चम्मच मैंने सुबह दोपहर शाम गर्म पानी के साथ खाया। और बेटा मेरा हल्दी में दूध पका के बड़ा अच्छा बना देता है, उसमें अदरक डाल के वो मेरे को दे जाता था। इसके अलावा ये है पल्स ऑक्सीमीटर है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। इससे मैंने अपनी रेगुलर ऑक्सीजन मॉनिटर करी, 94-92 फ्लक्चुएट करती रहती थी। चेस्ट में भारीपन पेन रहता था, तो फिर मैं उल्टे लेट जाती थी, प्रोन पोजीशन, जो कि आजकल आपको इंटरनेट पे बहुत इजीली मिल जाएगी, सब लोग आपको बता भी रहे होंगे, तो वो आपने ज़रूर करनी है। प्रोन पोजीशन ऐसी है कि उससे बहुत जल्दी ऑक्सीजन बढ़ जाता है फ्रेंड्स। 4% ऑक्सीजन का मामला है, 4% जिससे कि ज़िंदगी और मौत के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। 95 तक ऑक्सीजन रहे तो ठीक है, 94 हो तो खतरे की घंटी पहली, और 94 से 90, ये 4% ऑक्सीजन ही डिसाइड करती है कि आप अस्पताल जाएंगे या घर पे रहेंगे। तो ये बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है, आपने अपनी ऑक्सीजन फॉल नहीं होने देनी। 90 के अगर नीचे जाती है तो वो सीरियस इशू है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में कतारें लगी हुई हैं, ऑक्सीजन है नहीं। तो आपने इस सिचुएशन में क्या करना है, ये मेरे मैंने जो जो भी किया है मैंने आपको बता दिया है, आपने उल्टे ही लेटे रहना है। आप उल्टे लेटें, लंबा सांस लें, और उससे आपका ऑक्सीजन धीरे धीरे बढ़ेगा। और जो चेस्ट में निमोनिया हो रहा है, इन्फेक्शन हो रही है, एलर्जी हो रही है, उसकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और आपने इसके अलावा क्या करना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने पर्स लिप ब्रीदिंग करनी है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, जितने भी मैंने काम घर पे किए, जो जो भी पर्स लिप ब्रीदिंग और ये वाला जो स्पायरोमीटर की एक्सरसाइज, ये वाली भी मैंने बताई थी, वो आप दोबारा से जाके वो वीडियो देख लें। इसने मेरी बहुत मदद करी, स्पायरोमीटर की वजह से ही 92 से मेरा 94 तक आना शुरू हुआ। और ये एक्सरसाइज करती थी ना तो चेस्ट में पेन होता था, इसलिए बहुत धीरे धीरे करती थी। और आज मैंने 1 भी स्टीरॉयड नहीं खाया। स्टीरॉयड खाने का तरीका क्या है फ्रेंड्स, मैंने 4 दिन तक जो डेकाड्रॉन की गोली मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, उसको मैंने 4 दिन तक तो मैंने पूरी डोज खाई ये वाली, मतलब कि 8 गोलियां सुबह को 4 दिन तक। अगले 4 दिन तक मैंने 4 गोलियां खाई, इसको धीरे धीरे टेपर ऑफ करते हैं। नेक्स्ट 4 दिन तक मैंने 1/4 खाई, और आज मैंने बिल्कुल 1 गोली खा, आज मैंने 1 भी गोली नहीं खाई अभी तक, और मैं ठीक हूँ। इस तरीके से स्टीरॉयड को हम सडनली स्टॉप नहीं करते, इसको ग्रेजुअली टेपर ऑफ करते हैं। आपको ये ना मिले, ये वैसे मिल रही है दुकान में, ये बहुत सस्ती है, इसकी कीमत आप जान के हैरान होंगे, ये है सिर्फ 2 रुपये 13 पैसे की है ये 1 स्ट्रिप, तो इस तरीके की ले ली थी मैंने। अगर आपको ये नहीं मिलती तो आप वाइसोलोन भी ले सकते हैं, 20 मिलीग्राम की टेबलेट, वो भी बहुत सस्ती आती है। डेरिफाइलिन की गोली भी बहुत सस्ती आती है फ्रेंड्स। तो आपको ये वाली जानकारी आप अच्छे से समझ लें, आपके घर में कोई मेड्स हैं, ड्राइवर है, माली है, जो भी बीमार है, आप उन सब की मदद कर सकते हैं। आप उनको ये दवाइयाँ ले कर देंगे, कोई सस्ता सा कॉफ सिरप ले दें, ब्रोंकोडाइलेटर यानी कि अस्थालिन मैंने बताई थी, वो भी सस्ती आती है, ये स्टीरॉयड भी सस्ता आता है, आप ये ले दें, एविल की गोली ले दें, थोड़े से विटामिन्स ले दें,
तो 200-300 रुपए में आप अपने कहीं भी गरीब जो इंसान है आप पे डिपेंडेंट है, आप उसकी मदद कर सकते हैं। लास्ट ये एक्यूप्रेशर की नीडल है, इससे मैंने अपने सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स लेटे लेटे दबाती रहती थी। तो ये भी मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, आप ज़रूर देख लें। और जितना हो सके आप अपने को भी स्वस्थ रखें और आपके आसपास कोई लोग हो उनकी भी जान बचाने की कोशिश करें। मैं डॉक्टर लता आप सबकी सेफ्टी और हेल्थ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, मुझे भी अपनी प्रार्थनाओं में शामिल रखना, अपना बहुत सा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मैं मिलूँगी आपसे जल्दी ही।